अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? गुजरात वाले से। तो किसको जितवाने आए हैं? इंशाल्लाह हम ना इस्लामाबाद को जिताएंगे। इस्लामाबाद को जिताने आए हैं? तो पड़ोसी लाहौर नहीं याद आया आपको? लाहौर तो है, बेसिकली ये ऑनलाइन के चक्कर में हमें फंसा दिया है। अच्छा? हाँ जी, आए थे हम गुजरात वाले से मैच देखने, यहाँ ऑनलाइन के चक्कर में फंस गया। अच्छा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम बढ़ कैसे गया? बड़ा ऐसे ही गया, मैंने ऑनलाइन टिकटें खरीदी हैं। हाँ। यहाँ जितने भी लोग हैं 200 बाप सब बना यही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही आप वो पेपर लेकर आए, प्रिंट लेकर आए, ये ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन स्कैन हो रही है। टिकट मिली है कि नहीं मिली? टिकट मिली है, लेकिन आप वो यही कह रहे हैं दोबारा आप प्रिंट लेकर आए, ये ऐसा करें। अच्छा। वैसा करें, बस यही हो रहा है। तो हमारा मैच तो बढ़ गया आज, हमारा मैच तो बढ़ गया है। तो फिर भी आज किसके साथ उम्मीद है, किसके साथ है जितवाना? हमने इस्लामाबाद को जिताना है, और को नहीं जिताना, गुस्सा निकालना है। नहीं इंशाल्लाह, ये गुस्सा ही है हमारा। अच्छा? हाँ जी, ये गुस्सा ही है कि लाहौर को सपोर्ट नहीं कर रहे हम। नहीं नहीं, लाहौर तो चलो ठीक है। जी जी, तो एक नारा लगा दें इस्लामाबाद के लिए, कौन जीतेगा? शादाब अच्छा खेलेगा या नहीं खेलेगा? इंशाल्लाह जी जी, जरूर खेलेगा, अच्छा खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हाँ। और इंशाल्लाह विन भी करेंगे। बस क्या होना तो जो हो गया धोखा हो गया है। कैसे? 6 टिकट ली है भाई ने ऑनलाइन, इधर आए तो कह रहे हैं ये फ्रॉड है। मतलब ये टिकट नहीं चल रही? नहीं चल रही। ये आपने ऑनलाइन ली थी? ऑनलाइन ली थी हमने। कितने की ली है? 6 टिकट ली थी, 1070। अच्छा। 70 रुपये और कमीशन रख रहा था आपने? अच्छा जी। ये देखिए हमारे पास जो पैसे सेंड किए हैं उसके स्क्रीनशॉट भी हैं हमारे पास। ये जरा जूम करके दिखाएं जरा, ये आपने ऑनलाइन जमा कराए थे पैसे? जी जी, ऑनलाइन जमा करवाए। और ये आपका को तकरीबन 6,500 रुपया डूब गया? डूब गया, डूब गया, पानी में गया, पानी डूबा भी वहाँ जहाँ पानी नहीं था। जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये सिक्योरिटी को आपने दिखाई है, वो कह रहे हैं ये फेक है? जी, उनका फेक है, उनका ये टीसीएस के ऑफिस में जाके पता करें। अच्छा, हम टीसीएस के ऑफिस में गए, उनके भाई आपके साथ हाथ हो गया है। हाथ हो गया ऐसा? अच्छा, क्या फर्क क्या है, मतलब ओरिजिनल टिकट में और फेक टिकट में क्या फर्क है? कोई जो आजकल जो हमारे पास फोटोशॉप के जरिए होती है, उस तरह इन्होंने बना के में चिपका दी हुई है। चिपका दी हुई है। और आपने ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया था? नहीं, ये दरअसल मेरे दोस्तों ने ली है, मैं इनके साथ आया हूँ बस। अच्छा, कौन से भाई है वो, बुलाएं जरा उन्हें। भाई को, भाई जान आए जरा, इधर आए, इधर आए, इधर आए। मुझे ये बताएं कि ये आपने क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया था जब आपने टिकट ली है? यार ये क्यूआर कोड है ना, ये टीसीएस ऑफिस गए थे। अच्छा, टीसीएस ऑफिस वाले ने कहा ये बार कोड हमारा है। ओके, ठीक है, लेकिन अब हम इधर आए हैं तो इधर वाले टीसीएस वालों ने कहा है कि जी ये हमारा नहीं है, ये नहीं हम मानते, लेकिन हमारा तो स्कैम हो गया ना हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने जो टिकट्स ली हैं वो आपने किस वेबसाइट से ली हैं? यार ये इसका ना हमें नंबर आया था ये बंदे का कि टिकट वगैरह सेल। नंबर किसने दिया था? इसका फेसबुक पे इसका नंबर था, ग्रुप पे, ये कह रहा है अंदर कहीं बंदा हूँ स्टेडियम कहीं। अच्छा, ये अंदर कहीं काम करता है ये। ठीक है, तो इसने उन्होंने आपको नंबर दिया, आपने इस नंबर पे रब्ता किया, तो उन्होंने आपको कोई ऑफिशियल लिंक दिया था या व्हाट्सएप पे सिर्फ तस्वीरें भेजी हैं? व्हाट्सएप पे पहले उसने मुझे टिकट भेजी है, उसके बाद उसने मेरे से पैसे मंगवाए हैं एक टिकट के, उसके जैसे जैसे वो टिकट भेजता गया वैसे मैंने उसको वैसे वैसे पैसे भेज देंगे। हम भाई बहुत दूर से हैं, जलालत ही हुई है हमारी, हमने इनके भी बहुत रिक्वेस्ट किया है यार हमें अंदर जाने दो। यार आपने मतलब किसी ऑफिशियल साइट से चेक नहीं किया, व्हाट्सएप पे टीसीएस वालों से जा सकते? हम दरवाजे पे गए हैं, पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया, स्कैनर तक तो जाने देते थे ना, ये कोड था। हाँ। वहाँ पे जाके हमें पता चलता कि ये हमारा कोड स्कैन नहीं हुआ, उन्होंने हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया, हमारा स्कैन तो कोड होता। आपको इधर गेट पे कह दिया गया कि ये फेक है? फेक है। तो टीसीएस वाले क्या कहते हैं? टीसीएस वाले भी प्रिंट नहीं निकाल के दिया हमने उनको, ये पेपर नहीं दिखाया हमने उनको, यहाँ से दिखाया। तो अब आपको क्या लगता है कि स्कैम कितनी टिकट्स का हो गया आपके साथ अभी? 6,400 डूब गया। डूब गया तो किसी ऑफिशियल साइट पे किसी पे कुछ नहीं, नवाज शरीफ ही निकलवा सकता, उसके अलावा कोई भी नहीं निकलवा सकता। चले जी, ये वो नौजवान थे जो मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन हाथ हो गया, उनका ये कहना है कि जो टिकट्स उन्होंने ऑनलाइन खरीदी थी वो फेक निकली और उनको व्हाट्सएप पे एडोब फोटोशॉप के जरिए टिकट्स बना के दे दी गई जो कि फेक थी। जब वो यहाँ पर सिक्योरिटी पे पहुँचे तो उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, तो लिहाजा जो मुतलका काम है उनको इस हवाले से इकदाम की ज़रूरत है ताकि इस तरह के फ्रॉड ना हो सके, अवाम का जो पैसा है वो बच सके। मुझे यहाँ पर और भी नौजवान हैं उनका भी यही कहना है, तो उनके साथ भी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या टिकट आपके पास है? टिकट मेरे पास नहीं, हमने ना 11 माह इंतज़ार किया पीएसएल का, तो वो टीसीएस से पहले हमने उसे लिया था, वो पेक था। हाँ। हमने कहा चलो इधर ब्लैक मार्केट में यहाँ सेल करते हैं, वहाँ से लेके ओरिजिनल लेके देख लेंगे। हाँ। यहाँ पे पार्सल वो भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो हम इस तरह रह गए भाई, टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। चले जी, यहाँ पे मतलब एक तो ये है कि टिकट्स की शॉर्टेज है, वो मिलनी नहीं, और बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन खरीद कर यहाँ पर बेच भी रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक तरफ तो ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ काम क्या चल रहा है कि आवाम को फ़ोटोशॉप
यानी कि जाली टिकट्स जो हैं वो बेची जा रही हैं। तो मुतलका हकाम इस हवाले से इकदाम करें ताकि मजीद आवाम का जो पैसा है वो ना डूबे और नुकसान से बच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।